अरविंद केजरीवाल को ईडी की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन, 16 मार्च को पेश होने को कहा। जी हां, आपको बता दें कि शराब घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है। ईडी की अर्जी पर ये समन भेजा गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में कहा कि ईडी के समन का पालन न करने के कारण अरविंद केजरीवाल पर प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 174 का मामला बनता है। ऐसे में कोर्ट के पास इस बात के पर्याप्त आधार हैं कि वो केजरीवाल को समन जारी करे। ईडी के एप्लीकेशन पर कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का समन भेजा है। इससे पहले ईडी सीएम केजरीवाल को 8 समन भेज चुकी है। वह इन समन को गैर कानूनी बताते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वह ईडी के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी थी। केजरीवाल ने कहा था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देंगे। वहीं केजरीवाल को बार बार ईडी की ओर से समन भेजने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया था कि आखिर ईडी किस आधार पर ये समन भेज रही है। जब ईडी खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गई है तो इंतजार क्यों नहीं कर सकती। ईडी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को डराना चाहती है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया है उसी का बदला अरविंद केजरीवाल से लिया जा रहा है। अगर ये सिर्फ लीगल मामला होता तो ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। बता दें कि इससे पहले सीएम केजरीवाल को ईडी 8 समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल अभी तक किसी भी नोटिस के जवाब में जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में इन समन को छोड़ना उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि लगातार समन को छोड़ना ईडी की धारा 19 के तहत असहयोग के लिए अभियोग की जमीन मजबूत कर रहा है। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई, जिसके बाद शराब की पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। इस नीति को लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।